और अगली बड़ी खबर करूं करेंगे, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी अलग विधानसभा के भवन को लेकर के पंजाब को आखिर की आपत्ति है। तो नई विधानसभा के भवन को लेकर के आप देख रहे हैं कि पंजाब लगातार अपना एतराज जता रहा है, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, हमारी अलग विधानसभा से पंजाब को क्या आपत्ति है, ये काम चंडीगढ़ के अधिकारियों को देखना है, सीएम ने इस बात को कहा। फिर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2026 में परिसीमन के बाद जो मेंबर्स बढ़ेंगे उनको भी हमें देखना है, और उनको हम कहां बिठाएंगे, सीटिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए हमारी आवश्यकता है एक नया विधानसभा का भवन, इस पे पंजाब को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम अलग से विधानसभा की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान नई विधानसभा के भवन को लेकर के दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर के मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया, हमारी अलग विधानसभा से पंजाब को आखिर क्या आपत्ति है, ये काम चंडीगढ़ प्रशासन को देखना है, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है, और हरियाणा विधानसभा पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो नए विधानसभा भवन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार पंजाब की तरफ से आपत्तियां जताई जा रही हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता की तरफ से भी आपने देखा है कि एक पत्र प्रधानमंत्री तक को लिख दिया गया, और अब इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो राजनीति है वो हो रही है, और अब मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के बयान दिया है कि हम अलग विधानसभा की इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि नए परिसीमन के बाद संख्या विधायकों की बढ़ेगी, उनको बैठाने के लिए, उनके सीटिंग अरेंजमेंट के लिए इस भवन की आवश्यकता है, इस पे पंजाब को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हरियाणा अपना काम करेगा, पंजाब को अपना करना है, हम अपनी विधानसभा अलग बनाए तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है। हम जमीन जो ले रहे हैं कोई मुफ्त में नहीं ले रहे हैं, जमीन 10 एकड़ उनसे ले रहे हैं तो 10 एकड़ उनको एडज्वाइनिंग चंडीगढ़ के साथ लगती है, दे भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इसमें उनको उसमें क्या आपत्ति है। चंडीगढ़ वो जो विधानसभा है, उस विधानसभा का तो भवन जैसा बटा हुआ हमारे पास भी रहेगा ही, क्योंकि विधानसभा छोटी पड़ती है, और आने वाले 2026 में उसकी डिलिमिटेशन होने के बाद विधानसभा के मेंबर्स बढ़ने की संभावना है। अब विधानसभा के मेंबर अगर बढ़ते हैं तो इतने मेंबर्स का तो वहां स्थान भी नहीं है। हम लोग, आप लोग सब देखते ही हैं कि विधानसभा का सेशन कितना कंजेस्टेड तौर पर चलता है। आखिर अच्छा भव्य विधानसभा भवन होगा तो पंजाब को क्या लेना देना, कोई उसका मतलब ही नहीं, अर्थ नहीं है। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि हम स्वस्थ भारत की तर्ज पर स्वस्थ हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस पे हरियाणा सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने की, जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक इन सारी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि हम इसके तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज और आयुष्मान भारत से अतिरिक्त योजनाओं को चला रहे हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि साल में एक बार सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होना जरूरी है। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत करने वाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्री बजट बैठक में हुई चर्चा और सुझावों के साथ हरियाणा में 3 समर्पित कोष बनाने की जानकारी भी दी है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इन सारी बातों को रखा है। हमने जो कुछ बिंदु हरियाणा की ओर से रखे हैं, पहले तो हमने ये बताया है कि अभी तक फोकस जो हर एक प्रांत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर करता था, उसमें हमने अपना एक स्थान प्राप्त किया है। देश के जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 3 प्रांत हैं, उसमें हमारा स्थान आया हुआ है। हम उसके बाद उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इस ओर भी बढ़ रहे हैं, ताकि नागरिक का जो जीवन है वो सुलभ कैसे बने और उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो इस ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक अच्छी बैठक, और पिछली बार का जो मेरा अनुभव है कि बहुत से ऐसे सुझाव प्रदेशों के दिए हुए उसको समाहित किया जाता है, फिर भी केंद्र सरकार की अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से वो कितना एडजस्ट करते हैं, उसका लाभ हर प्रदेश को मिलता है, निश्चित रूप से हरियाणा को भी मिलेगा। अब 3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाने चाहिए, जिसके अंदर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड एक, दूसरा है रिसर्च एंड इनोवेशन विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए दूसरा, ये भी जरूरी है, और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यम पूंजी, इसका एक कोष बनाया जाए, ताकि उस कोष में से जब भी जिस प्रांत को आवश्यकता हो उसमें से वो दिया जा सके। हालांकि इसके अंतर्गत पिछले वर्ष जो 1,00,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान किया गया था, उसमें 50 साल के लिए उसको विदाउट इंटरेस्ट देने की बात कही थी, हमको भी 874 करोड़ का उसमें मिला था। हमने उसमें जो हमारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है उसके अंदर उसको निवेश किया है। इस पर भी हमने कहा कि इसको राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना को आगे चालू रखा जाए। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण 3 विषय हमने कहे हैं।
3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाएंगे।